आज के समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी कि विदेशी कूटनीति भी शतरंज के खेल की तरह हो गई है और यहाँ बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि कल क्या हो जाए और कल को कौन सा देश क्या फैसला ले ले। कुछ दिन पहले ही OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने कश्मीर मुद्दे पर भारत की कड़ी आलोचना की थी, जबकि वहाँ पर अरब देशों और खासकर सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का बोलबाला है। OIC में भारत की कड़ी आलोचना करवाकर पाकिस्तान सोच रहा था कि अरब देश उसकी मुट्ठी में आ गए हैं, लेकिन अभी पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी नाइजर से OIC मीटिंग अटेंड करके पाकिस्तान पहुंचे ही नहीं थे कि अरब देशों ने पाकिस्तान को और भी बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल अब ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोनों ही देशों ने भारतीय सेना के चीफ MM नरवणे को अपने देश में आमंत्रित किया है, जो कि किसी भी भारतीय सेना के चीफ का आधिकारिक तौर पर अरब देशों का पहला दौरा होने वाला है। 4 दिन के सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दौरे के दौरान भारतीय आर्मी चीफ MM नरवणे सऊदी अरब के सऊदी नेशनल डिफेंस कॉलेज को संबोधित करते हुए वहां पर अपनी स्पीच भी देंगे। इसी के साथ दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को स्थापित करने पर भी चर्चा होगी और अगर सब ठीक रहा तो आने वाले समय में भारतीय सेना और सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच डिफेंस पैक्ट भी साइन हो सकता है। अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और खासकर सऊदी अरब पाकिस्तानी चीफ बाजवा को अपने किंग तो दूर की बात है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने नहीं दे रहा, तो वहीं दूसरी तरफ ये दोनों ही देश भारतीय सेना के चीफ MM नरवणे का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। वैसे ये सोचने वाली बात है कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक तरफ OIC में भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दा और आर्टिकल 370 का प्रोपेगेंडा चलने देते हैं, तो दूसरी तरफ वो भारतीय सेना के चीफ MM नरवणे को अपने देश में आमंत्रित भी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सऊदी अरब OIC को अपने हाथ से निकलने बिल्कुल नहीं दे सकता। उसने काफी समय तक कश्मीर मुद्दे पर चुप्पी साधी, लेकिन OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में 57 मुस्लिम देश हैं और ये उन सभी देशों का साझा मंच है। वहाँ पर अगर वो 10 बातें अपनी मनवाएगा तो 2 बातें उसको भी बाकी देशों की माननी पड़ेंगी, ताकि बाकी के देश नाराज ना हो जाएं, और इसी चीज को कहते हैं डिप्लोमेसी। दूसरा कारण है अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शंस में जो बाइडेन का चुना जाना। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अब ये पूरी तरह तय है कि भारत दोबारा ईरान और वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर देगा, इसीलिए सऊदी अरब UAE और बाकी के अरब देश भारत के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को एक लेवल बढ़ाकर मिलिट्री टाइज या फिर स्ट्रेटेजिक संबंध स्थापित कर रहे हैं, ताकि दोनों ही देश और भी ज्यादा करीब आ जाएं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है और आज के समय चाइना के फैलाए वुहान वायरस की वजह से कच्चे तेल की डिमांड 35 सालों में सबसे कम स्तर पर है और सभी अरब देशों की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। इसीलिए सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जितनी हो सके उतनी भारत के साथ करीबियां बढ़ा रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर कहो तो अब अरब देश भारत के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकते, फिर वो चाहे सैन्य स्तर हो या फिर आर्थिक, क्योंकि भारत का मार्केट साइज काफी बड़ा है और सबको पता है कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत पहले चौथे नंबर पर और फिर अमेरिका चाइना के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसीलिए जिन देशों के पास दिमाग है वो तो भारत के आगे नतमस्तक हो रहे हैं और दूसरी तरफ टर्की और पाकिस्तान जैसे भी देश हैं जो नहीं समझेंगे तो अपना ही नुकसान करवाएंगे। इसी के साथ पिछले साल ये रिपोर्ट्स लीक हुई थी कि रॉयल ब्रिटिश आर्मी सऊदी अरब की आर्मी को ट्रेनिंग दे रही है और इसी साल ये भी रिपोर्ट सामने आई थी कि वो ट्रेनिंग के साथ साथ सऊदी अरब की ऑयल फील्ड्स की भी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी का काम संभालते हैं। तो काफी हद तक चांसेस है कि सऊदी अरब भारत के साथ इसी तरह का एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन करने पर विचार कर रहा हो, जिस पर चर्चा के लिए भारत के आर्मी चीफ MM नरवणे को बुलाया गया है। लेकिन इस मुद्दे पर भी भारत में 2 पक्ष हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय सेना को जाना चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अरब देशों की सेना की ट्रेनिंग और सिक्योरिटी के लिए अपनी सेना भेजनी चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।